दोस्तों खबर बहुत बड़ी आ रही है। किर्गिस्तान में कुछ स्थानीय लोग भारतीय छात्रों को हिंसक तरीके से निशाना बना रहे हैं। एक छात्र ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से संपर्क कर बताया कि उन्होंने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हेलो सर, मैं इंडियन सिटीजन बोल रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ पे फोर्थ ईयर का बिश्केक में। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इवैक्यूएशन के लिए सर कोई प्रोसेस स्टार्ट किया आपने? अच्छा सर, फिर हम जाएंगे कैसे सर? हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी अगर हम फ्लाइट करें तो डायरेक्ट? हेलो। असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए जयशंकर से अपील की है कि वहां हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उनके वापस लौटने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजीलत इकबाल है। मैं बिश्केक यूनिवर्सिटी आईयूके की 8वें सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान से मियांजनू से बिलोंग करती हूँ। कल शाम से बिश्केक के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया है। उन पे बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और इवन कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है, जो कि मीडिया और सब छुपा रहे हैं इस बात को। हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं है। हमारे लिए हम अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे लिए हिफाजती इकदाम किए जाएं और हमें किसी भी तरह महफूज तरीके से पाकिस्तान बुलाया जाए। किर्गिस्तान में जारी हिंसा में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। राजस्थान समेत देश के कई जिलों से पढ़ने गए छात्रों को जान का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने उन्हें निशाना बनाया हुआ है, जिसके डर से उन्होंने खुद को अपने आवास में बंद कर लिया है। लेकिन पथराव की घटना के दौरान आवास की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। मदद के लिए हताश भारतीय दूतावास को फोन किया और मदद की गुहार भी लगाई। बहरहाल मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक बने रहिए आप सस्ता मीडिया के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे।